Hi guys, this is Chitranshi and welcome to my channel. This is going to be very different video what we usually do. ये video एक काफी, I'm sorry, कुकर की सीटी बज रही है because खाना बन रहा है. तो वो ये बताने वाली थी, ये video एक काफी informal सा video होने वाला है and इसमें काफी chit chat करेंगे हम and I'm going to get unready with you guys and I'll tell you what my basic skincare routine is या मैं generally क्या करती हूँ about you know everything like I'm just going to talk. Just the way I do with my friends. और उस तरीके से हम थोड़ा बात करेंगे और मैं अपना ये मेकअप हटा पाऊंगी और वीडियो का वीडियो भी बन जाएगा. ओके, कुकर सिटी नंबर टू. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैव जस्ट फिनिश शूटिंग वेडिंग सीरीज, मेरे चैनल पे चल रही है, मैं उसे शूट कर रही थी आज और बैक टू बैक दो वीडियोज शूट करे हैं. सूट पहनने का मन नहीं था बिकॉज विंटर्स आ चुकी हैं, दिल्ली में ठंड बढ़ गई है एंड आई थॉट कि थोड़ा सा मेकअप करके कुकर की सिटी बचती रहेगी. सॉरी, तो मैं सोचा कि थोड़ा मेकअप करके ही अपना लुक चेंज कर लेते हैं एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स इन दिस वीडियो. तो ये हुई हमारी इसकी वीडियो के बारे में बात एंड लेट मी नो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो आई कैन शेयर इट विद यू पीपल. एक अच्छा वेडिंग गेस्ट लुक है. सो बेसिक्स पहले क्लीन करने हैं एंड हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की बात भी करेंगे. तो गाइज, मैंने कुछ रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही अपने चैनल पर एक पोल डाला था कि क्या आप मुझे लाइव में देखना चाहते हो या नहीं. एंड या मीन वाइल मेरी अभी क्लेंजिंग ऑयल खत्म हो गया है तो आई एम यूजिंग दिस बादाम ऑयल. मैं वैसे जनरली कोई स्पेसिफिक क्लेंजिंग ऑयल या बाम नहीं यूज करती बट आई ट्राई टू रिमूव हार्ड मेकअप जैसे मैंने करा हुआ है अभी, लिपस्टिक, स्मोकी आईज जो थोड़ी खराब भी हो गई हैं, ये सब मैं ऑयल से हटाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऑयल से ना सारे ट्रेसेस मेकअप के हट जाते हैं एंड सिंस इट नरिशेज ऑल्सो तो मसाज भी हो जाती है. तो थोड़ा सा ऑयल मैं लूंगी. आई एम टेकिंग दिस ऑब्वियसली बादाम तेल. जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ना यार, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो कोई टेंशन की बात तो है नहीं. एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्लेंजिंग एंड साथ साथ हम बात करेंगे. थोड़ा सा रब करती हूँ मैं. फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सो दिस इज दैट. आप स्किन केयर भी सीखोगे और मुझसे काफ़ी बातें भी करोगे और शायद हो सकता है बीच में थोड़ी भूत भी लगने लगूँ. सो या इट हैज स्टार्टेड. एनी वे, तो मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपने चैनल पे लाइव करने का सोच रही हूँ यूट्यूब पे. माई गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. इतना नहीं चलेगा. अनवर सेना की हेड लग रही हूँ इस टाइम पे. बट देन ठीक है, अनरेडी वीडियो है तो आई थॉट कि वापस आ जाते हैं कैमरा पे एंड लेट्स डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो दिस इज, हाँ, तो लाइव की मैंने बात की थी. आप में से बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई थिंक 70+% ने बोला है कि वो मुझे लाइव देखना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद मी, सो थैंक यू सो मच. और जो बाकी 30% है, क्यों भाई मैंने ऐसा क्या किया है, क्यों नहीं बात करना चाहोगे मुझसे, बट एनी वे दैट्स योर चॉइस. सो आई वॉज थिंकिंग टू डू अ लाइव सेशन रियली सून, किसी वीकेंड पे ही ऑफकोर्स मैं करूंगी. वीकडेज मेरे बहुत बिजी होते हैं. आई सी, मैं इसके लिए भी शायद एक पोल डाल दूंगी, अदरवाइज आई विल डिसाइड कि कब करना है एक लाइव सेशन और तब मैं आप लोग के साथ एक लाइव करूंगी. सो दैट्स अबाउट इट. मैंने इस वीडियो में मेकअप में ना भी मस्कारा लगाया हुआ था. इट्स अ रियली नाइस मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन, इट्स वाटरप्रूफ एंड इसीलिए मैं ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि ऑयल से ही हट पाता है वो. पानी से तो आप बहुत रगड़ते रहो और स्किन भी काफी हार्म होती है. सो लेट्स जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस क्लेंजिंग स्टेप. ये मेरे पास मेकअप रिमूविंग वाइप्स हैं. दिस आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. सुपर अफोर्डेबल मैन, मतलब सुपर अफोर्डेबल. कब से चल रहे हैं मुझे आइडिया भी नहीं है और कितना भी यूज कर लो ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होते. सो इस वाइप्स से मैं अपना सारा मेकअप हटा दूंगी एंड गाइज जस्ट हैव अ लुक एट इट. मतलब मेकअप इतना आराम से निकलता है विद द हेल्प ऑफ ऑयल एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूजिंग ऑयल टू रिमूव एनी काइंड ऑफ मेकअप दैट आई पुट ऑन माय फेस. ऑयल हटाने के बाद मैं एक क्लेंजिंग वाटर से भी करूंगी एंड फॉर दैट आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट. आई एम गोना जस्ट शो यू इन अ मिनट. सो दिस इज डन. हैव अ लुक. क्रेजी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया. इतना सफेद था और इतना काला हो गया एंड देयर वी गो. तो मेकअप मेरे फेस से पूरा बढ़िया तरीके से हट गया है. अनदर थिंग गाइज, आपके पास अगर कोई वीडियो आइडियाज हैं जो स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, जो आपके कंसर्न्स हैं जिसपे आप वीडियो देखना चाहोगे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो क्योंकि मैं अपने कमेंट्स से ही अपने नेक्स्ट वीडियो का क्लू है ना वो पिक करती हूँ. बिकॉज आई नो जो आप लोग बोलते हो वही ज़्यादा चलता है, मतलब आई मीन वो वीडियो मेरा ज़्यादा चलता है. तो आई रियली रिस्पेक्ट योर ऑप्शंस. आप लोग नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद है वेयर आई एम जस्ट गोना सिट एंड चिट चैट.
तो मैं ये फ्रीक्वेंटली करूंगी बिकॉज वीडियो के लिए थोड़ा बहुत मेकअप तो मैं करती हूँ और टाइम मुझे लगता है आराम से हटाने में, तो काफी हेल्प हो जाएगी मेरी एंड आई थिंक वीडियोज भी बन जाएंगे. नाउ विल डू सेकंड क्लेंजिंग. सो रिसेंटली वीटी कॉस्मेटिक्स हैज सेंट मी अ फ्यू प्रोडक्ट्स. वीटी कॉस्मेटिक्स ने मुझे अपने प्रोडक्ट की किट में एक ये सीका माइल्ड क्लेंजिंग वाटर भी भेजा है. ये उनकी सीका स्किन केयर प्रोडक्ट्स की रेंज है एंड दिस इज वन ऑफ द क्लेंजर्स. तो इसको मैं यूज करूंगी अभी टू क्लीन द रिमेनिंग नॉट मेकअप बट द ऑयल. ये मैंने अभी तक खोला भी नहीं है सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस क्लेंजिंग वाटर. सो लेट्स चेक इट आउट. स्मेल्स अ लिटिल सोपी बट लेट्स सी. इसके डिटेल रिव्यूज जो मैं करूंगी ना वो इसके दो चार प्रोडक्ट्स और हैं वो सब चैनल पे आएंगे. सो मेक श्योर दैट यू वॉच देम. एंड या इट्स अ वेरी माइल्ड क्लेंजर एज द ब्रांड सेज. एंड वाओ आई मीन लुक एट इट. तो हाँ मेकअप हटाने में मतलब बढ़िया ही काम करता है. अब मैं थर्ड लेवल ऑफ क्लेंजिंग करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज माई वेरी फेवरेट सेटाफिल फेस वॉश. तो इससे भी मूड होके आते हैं. ठीक है चलो. सो वेलकम टू माई वॉशरूम एंड स्किन अभी ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है. देखो ऑयल का ये फायदा होता है कि आप नरिश भी कर रहे हो क्लीन भी कर रहे हो. लाइट ओमेन लाइट सारी जगह. ओके जो रिंग लाइट थी वही नहीं जलाई. तो आप देखो स्किन का कितना मतलब अच्छे से क्लीन करो तो स्किन को क्लीन करने का बहुत फायदा होता है. सेटाफिल रूम में रह गया, रुको मैं लेके आ रही हूँ. देन फेस वॉश के बाद गाइज माय हेयर आर सुपर ऑयली इसलिए मैंने ये स्लीक बन वाला हेयर सेट बनाया था. तो आपको मेरा एक सीक्रेट पता चला है इस वीडियो में. तो यस दैट्स अ ट्रिक टू हैव अ ग्रेट स्लीक बन. तो अभी मैं अपना हेयर ऑयलिंग भी करूंगी इस वीडियो में एंड यू विल वॉच ऑल द स्टेप्स. तो फेस वॉश करते टाइम ध्यान रखना है कि आप अच्छे से फेस वॉश को एटलीस्ट एक दो मिनट दो अपने फेस पे. एंड यस ये चीज़ तो हमेशा ही ध्यान रखना. एंड अभी मेरे को नहाने जाना है तो मैं इसके बाद का स्टेप्स आपको नहाने के बाद दिखाऊंगी कि व्हाट आई डू फॉर माई स्किन क्योंकि मुझे हेड वॉश भी करना है. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है और स्किन केयर ऑलमोस्ट एंड में दिखेगा. बट सी हाउ ब्यूटिफुल इट क्लीन्स माय स्किन. लुक एट इट. वाओ. तो अभी जितनी देर मैंने ऑयलिंग करूंगी मैंने फेस तो पहले वॉश कर लिया. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ माय रोज हिप ऑयल ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे. और उतनी देर में मैं आप लोग से बात करते हुए आई पुट the thing. What? Hair oil. तो देखो स्किन कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है. Now time for hair oiling. So हाँ coming to the topic of hair oiling, मैं सोच रही हूँ एक I have a miracle hair treatment which you guys should definitely see. मतलब एक oil बनाने का तरीका है and if you are facing excessive hair fall which I was also doing a long time back. तो मैंने वो ऑयल बनाया था काफ़ी रिसर्च करने के बाद काफ़ी चीज़ें देखने के बाद और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स से बनता है वो ऑयल. तो उसका वीडियो भी मैं करूँगी. बट देन उस ऑयल को कोकोनट ऑयल में बनाते हैं. आई डो नॉट हैव कोकोनट ऑयल राइट नाउ इसलिए वो वीडियो आज नहीं हो पाया. उसका शेड्यूल आ गया था. तो अभी फॉर हेयर ऑयलिंग आई एम यूजिंग खादी इंडिया का शिकाकाई हेयर ऑयल. दिस इज ऑल्सो वेरी रिसेंट हेयर ऑयल. तो इट्स गुड फॉर हेयर फॉल एंड यस. तो वो बड़ा ना सही ऑयल है बाल झड़ने को रोकने के लिए एंड टू इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ एंड यू नो रिड्यूस योर हेयर फॉल. एंड जिसकी भी रिसीडिंग हेयर लाइन है उसको लगता है कि यहाँ से बाल मेरे कम हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हेयर ऑयल है. वो मैं यहाँ शेयर मतलब बता रही हूँ कि आएगा बट मैं उसका सीक्रेट यहाँ नहीं शेयर करूँगी. दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. तो अभी ऑयलिंग करेंगे अच्छे से अपने बालों को. एंड ऑयलिंग पे भी आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन ऑयल स्पा. बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में हैं बट ये कि टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं हो पाता. फिर लिमिट करना पड़ता है मुझे नंबर ऑफ उसको. सो गाइस
गाइज आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ ज़रूर करो. तो मैं वहाँ पे अपने डेली लाइफ के रूटीन्स और अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ. आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जहाँ मैं इंटरेक्टिंग विद यू विल रियली लाइक माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ स्टोरीज में ऑफन लाइक आई पुट देम स्टोरीज रियली ऑफन, सो यू विल लाइक इट फॉर श्योर. एंड में मेरे बाल भी झड़ते हैं बहुत, तो अगर आप लोग को लगता हो कि भाई मैं तो यूट्यूबर हूँ और मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो गेट दीज पिम्पल्स, आई ऑल्सो हैव स्किन इशूज. इट्स जस्ट आई रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेमेडीज एंड देन आई फॉलो देम विद माई हार्ट. मन से फॉलो करती हूँ मैं, एंड पॉजिटिवली फॉलो करो किस चीज़ को तो वो चल ही जाती है, हो ही जाता है काम. एंड यू गाइज टॉक अबाउट हेयर फॉल, लुक 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 एट इट, किसका हेयर फॉल नहीं होता. दिस इज वेरी ह्यूमन कि सबके बाल टूटते हैं, सबको कोई ना कोई स्किन कंसर्न होता है. तो प्लीज़ इस झांसे में मत आया करिए कि ओ हो ये तो इसकी स्किन तो बहुत अच्छी लगती है. तो आप ये मत सोचो कि ओ माई गॉड मैं ही ऐसी हूँ, मेरे ही बाल झड़ते हैं, मेरे ही स्किन पे दाने होते हैं, मुझे ही पिंपल्स होते हैं. हर इंसान के होते हैं, कोई ऐसी obviously except people who have amazing genes, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. even celebrities के साथ भी ऐसा नहीं होता. तो please love yourself, love your body, love your skin. the more you talk positive about yourself, the more your body will feel positive. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए. मैं भी जो इतने आसानी से बोल रही हूँ ना, मैं भी इतनी आसानी से ये चीज़ें करती नहीं हूँ, but खुद को एक रिमाइंडर देते रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड दैट्स वाई आई फील कि आप लोग से बात करूँगी तो मैं रिमाइंडर्स देती रहूँगी. तो मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ कि ओ हो मेरे को तो मैं अपने बारे में अच्छा सोचूँगी वो, बट इवन देर आर टाइम्स वेर आई फील डाउन एंड आई टॉक लो अबाउट माई सेल्फ, वो नहीं करना चाहिए. तो ये रिमाइंडर आपको खुद को याद दिलाना रहना चाहिए कि टॉक गुड अबाउट योर सेल्फ, टॉक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, एंड इट विल हेल्प यू आउट इन लाइफ अ लॉट. सो दिस इज़ वी हैव फॉर द हेयर ऑयलिंग. अब मैं अपने बालों को धोऊंगी. तो अभी शैम्पू के लिए मैं यूजिंग ट्रेसमे, क्योंकि ट्रेसमे मुझे काफ़ी सूट करता है. कई लोगों को ट्रेसमे सूट नहीं करता, तो बट आई यूज़ ट्रेसमे बिकॉज मुझे सूट कर रहा है. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ ट्रेसमे लाइक स्मूद एंड शाइन यूज़ कर रही हूँ मैं, और उसी का कंडीशनर. फिर मैं बाल धोने के बाद आप लोग से मिलती हूँ एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट माई बेसिक स्किन केयर रूटीन विच आई ऑलवेज डू. तो मिलते हैं. Alright guys, so I'm just done with my shower and back in my pajamas. This is my set जो आपने Amazon haul में देखा होगा. नहीं देखा है तो यहाँ से ले लो, पसंद आया तो Amazon पे जाके ले लो. So I've already saved you some time. मैंने already moisturize कर लिया है. For moisturizing my body, I'm using Nivea Shea Smooth Lotion. काजल थोड़ा सा फैल गया है, कोई नहीं. अब मैं आपको अपना बेसिक सा स्किन केयर रूटीन बताऊँगी. बिफोर दैट वन हेयर केयर ट्रिक जो आपने मेरी YouTube शॉर्ट्स में भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज देख लोगे. सो व्हाट आई डू पोस्ट हेयर शावर, मैं सीधा अपने बाल जब ऐसे डैम्प होते हैं इन्हें मैं खोलती हूँ. अभी ना इसमें से पानी नहीं गिर रहा है बट दे आर स्टिल वेट. सो व्हाट आई डू, आई टेक अ पंप ऑफ एलोवेरा जेल, रियली गुड फॉर हाइड्रेशन. थोड़ा सा ऐसे लेती हूँ मैं, ये देखो, और मैं अपने बालों में इसे ऐसे लगा लेती हूँ. आपके बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. सो इफ़ यू आर गोइंग आउट तो पोल्यूशन से भी बचते हैं, बाल हाइड्रेट भी होते हैं और फ्रिज फ्री रहते हैं. सो दिस इज़ अनदर सीक्रेट टिप जो आपने सीखी इस वीडियो में. यहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ लेंस में लगाना है, राइट. इट्स लाइक अ नाइस लीव ऑन कंडीशनर. एंड द नेक्स्ट थिंग इस स्टेप के बाद जो मैं करती हूँ वो आई पुट माय सीरीज एक्सपर्ट प्रिमरोज ऑयल लेस अनलिमिटेड लॉरेल का सिरम. दिस इज़ ऑलमोस्ट ओवर, पूरी बॉटल ख़त्म कर दिया मैंने एंड आई थिंक ये करीब एक साल से मेरे पास है, आई थिंक उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो अब मेरे को ये ऐसे लेनी पड़ती है एंड अ फ्यू ड्रॉप्स आर जस्ट मोर देन इनफ. ठीक है, ज़्यादा लोग हैं ना तो बाल ऑयली भी हो जाते हैं इससे, ये ध्यान रखना. इसको भी सिर्फ एंड्स पे ऐसे क्रंच करके अपने बालों को आपको लगाना है. तो यप, नीचे से बाल लो, ऐसे 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 करो एंड ऊपर बिल्कुल मत लगाना वरना सारे फ्लैट और चपट्टू हो जाएंगे.
तो चलो स्टार्टिंग विद माई स्किन केयर. इसको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है मेरे चैनल पे. इतना ज्यादा मैंने हर वीडियो में इसकी बात की. एम गोइंग टू टेक दिस टोनर एंड क्विकली पुट इट ऑन माई फेस, स्पेशली जहाँ पे मुझे लगता है कि जनरली आई ब्रेक आउट, विच इज़ माई फोर हेड एरिया. तो वहाँ मैं इस टोनर को लगाऊंगी. बहुत टाइम से मैं एक अच्छे टोनर को ढूंढ रही थी एंड गाइज, अच्छे टोनर की इम्पोर्टेंस उसी को पता है जो टोनर यूज़ करता है. तो नहीं करते हो तो अपने स्किन केयर में टोनर ज़रूर से ऐड करो. और मेरी स्किन को थोड़ा पास से देख लो. कुछ भी नहीं लगा है मुँह पर, सीधा नहा के आई हूँ और काजल और फैल गया. अच्छा, नाउ टोनर इज स्टिल डैम्प, हल्का हल्का सा गीला है. आई एम गोइंग टू पुट अ सीरम, और ये सीरम भी आपने मेरे चैनल पे देखा होगा. दिस इज एम के फीन्स ग्रीन टी नेकेड डिटॉक्स फेस सीरम. इसका भी यही हाल है, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया. आई हैव टू बाय माई स्किन केयर अगेन. अब तो मुझे इसको धप धप करके निकालना पड़ता है जो थोड़ा बहुत बचा है. सी, इतना इतना सा भी ऐसे ही आता है. बट देन आई वुड लाइक टू ट्राई अ फ्यू डिफरेंट सीरम्स, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट प्रॉपर डेडिकेटेड स्किन केयर वीडियो में दिखाऊंगी. सीरम भी ना बहुत अच्छा काम करता है स्किन के हाइड्रेशन के लिए, विंटर्स में स्पेशली. आप वो कहाँ कहाँ, कौन से सिटीज़ और कौन से कंट्रीज़ में हो मुझे कॉमेंट करके बताओ. हाउ इज़ द वेदर देयर एंड लेट मी नो. तो यहाँ तो ठंड है एंड सीरम लगाने से स्किन ना बहुत ऐसे, देखो इट्स रियली प्लम्प नाउ. ये तब तक एब्जॉर्ब होगा. बहुत भूख लग रही है मुझे. आई जस्ट हैड माई ब्रंच और अब रात के शायद 8:30 बज रहे हैं. तो ये मेरा नाइट टाइम बेड टाइम स्किन केयर ही आप मान लो जो मैं कर रही हूँ. एंड आईज के नीचे भी प्रेस करूँगी हल्का हल्का सा, बहुत तेज से नहीं. स्किन फील्स वेरी सपल. ये ना नहाते या फेस वॉश करते कर लेना चाहिए कि स्किन में ऑलरेडी पानी होता है, उस पानी को आपके स्किन में जो मॉइस्चर होता है उससे लॉक करने के लिए अगर आप उसी टाइम स्किन केयर कर लोगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे. एंड देन कम्स द लास्ट थिंग ऑफ द स्किन केयर रूटीन, जो कि यार ये चिटचैट वीडियो होनी थी और ये स्किन केयर रूटीन वीडियो बन गई है. 3-4 ड्रॉप्स मैंने लिए हैं अपने सोलफ्लावर के रोज कैरियर ऑयल की. जब मुझे थोड़े बहुत दाने होते हैं तो मैं इसमें अपना रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला लेती हूँ एंड इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल. बट अभी इट्स प्रिटी फाइन, तो मैं ज़बरदस्ती एसेंशियल ऑयल नहीं मिलाती. एंड देन आई विल जस्ट मसाज इट इन. ध्यान रखिए अपने हर स्किन केयर के स्टेप के बीच में लीव एटलीस्ट 5 मिनट्स का गैप. लेट द प्रोडक्ट जिसकी लेयर आपने अभी लगाई है लेट इट सिंक इन योर स्किन और फिर उस पर दूसरा प्रोडक्ट लेयर करो. एंड ऑयल्स, आई टोल्ड यू आई लिव फॉर ऑयल्स, सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल. इट स्टार्टेड विद ऑयल, इट एंडेड विद ऑयल. वाह. एंड गाइज, मुझे तो बड़ा मजा आया ये वाली वीडियो करते हुए. मेरे काफी सारे काम भी निपट गए. अदरवाइज क्या होता है कि मुझे वीडियो शूट करने के लिए अपने सारे काम रोक के फिर वीडियो शूट करना पड़ता है, बट इस टाइप की वीडियो मेरा काफी सारा काम भी हो गया. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी. और आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना देना. आई थिंक आई कैन स्टार्ट अ सीरीज, उसका नाम सोच लेंगे. गेट कैंडिड, गेट रियल, चिट चैट, सोच लेंगे नाम. अगर आपको अच्छी लगी तो वी कैन डू अ वीकली चिट चैट या ऐसे गपोड़ी मारने वाली सीरीज. तो आई थिंक बढ़िया रहेगा वो, वी कैन नो ईच अदर वेल. एंड ये जो पानी की आवाज़ आ रही है वॉशरूम में, कोई है जो टैप चल रहे हो, शावर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है. बट ठीक है, दिस इज जस्ट एन इनफॉर्मल वीडियो, सो आई एम गोना कीप इट लाइक दैट. एंड इफ यू लाइक दैट देन कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सी स्किन केयर टिप या कौन सी टिप इस वीडियो से मिली है. एंड सही कमेंट को मैं पिन करूँगी, यही कर सकती हूँ मैं. तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में कितनी सीक्रेट टिप्स मैंने दी हैं. एंड जो मुझे सही नंबर बताएगा उसका कमेंट सबसे पहले बताएगा, मैं उसको कमेंट पिन करूँगी. एंड आई थिंक यही है आज की चिटचैट के लिए. अब मेरे को भूख लग रही है, मैं खाने जा रही हूँ. एंड आई एम गोना सी यू अगेन really soon. So happy Sunday. Mera Sunday to over ho gaya with this beautiful video. And after talking to you guys, I'm gonna see you again. Till then, keep glowing, keep shining, keep putting oil. And this is my real skin. Nothing on it, like skincare products, no makeup. And yeah, I'll see you again. Bye.